हेलो एवरीवन मेरा नाम है पुलकित जैन फाउंडर एंड सीईओ नेवरी या कल मैंने ना एक वीडियो बनाई थी सॉरी ऑडियो रिकॉर्डिंग थी मेरी वो कल मैंने बनाई थी तो मैंने वो यूट्यूब पे जब लिस्ट की थी तो उसमें ना क्या था ये मैंने यार कुछ नोट नहीं करता बस बोलता रहता हूँ तो मेरे को ना समझ नहीं आता मैं कब क्या बोल रहा हूँ तो बहुत कन्फ्यूजन हो गई थी तो आज मैं थोड़ा सा ना आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा और मैं एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करूँगा जिससे आप समझ पाओ कि मैं क्या कहना चाह रहा था उस ऑडियो में तो जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं दो का जोमेटो और स्विगी देखो जोमेटो ने ब्लकट किया है क्वायर ट्रिपल फोर सेवन करोड़ में ठीक है ये दो हजार बाईस में तो जोमेटो ने एक तरफ ब्लंक्ट को किया एक क्वायर और जोमेटो का तरीका पता है आपको काम करने का ब्लेंकेट का तरीका पता है आपको काम करने का अब हम ना जोमैटो वर्सेज स्विगी करते हैं ठीक है देखो जो इतने बड़े बड़े लेवल पे मतलब टॉप पे बंदे बैठे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं मैं इतना समझदार नहीं हूं मुझे पता है इसीलिए वो वहां पे है ठीक है लेकिन मैं सिर्फ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाह रहा हूं यहाँ पे जो मेरे को लगता है कि पाँच साल बाद इंडिया के अंदर जो मैं चाह रहा हूं यदि वो हो गया तो वो किस तरीके से दिखाई देगा और जो बंदा ऐसा करेगा वो कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है मैं गलत हूं बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूं तो जोमेटो ने क्या किया ट्रिपल फोर ट्रिपल फोर सेवन करोड़ में एक ब्लैंकेट को एक्वायर किया और स्विगी अब क्या कर सकता है जो मेरे को लगता है उससे ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए और उससे कम इन्वेस्टमेंट करने के लिए अब स्विगी ने क्या किया जो मैं कल आपको समझाना चाह रहा था कि उसने हम जैसे सेलर्स को जोड़ दिया अपने प्लेटफॉर्म पे अब जितना भी कॉस्ट आया वेयर हाउस का जो ब्लेंकेट खर्चा करती है वो स्विगी को करना नहीं पड़ेगा जितनी भी स्टाफिंग हो रही होगी ब्लेंकेट के वेयर हाउसेस के अंदर वो भी उसको नहीं करना होगा जितना एस उसने क्रिएट किए होंगे जो भी स्टाफिंग होगी हो स्टॉक होगा उस पर खर्चा नहीं करना होगा क्यों क्योंकि जब स्विगी ऐसी स्विगी बनाएगा कोई ऐसा मॉडल जिसके अंदर वो हमें कस्टमर से जोड़ेगा रेंट हमारा हमें बियर करना होगा अपने स्टोर का स्टॉक के लिए पैसा हमें लगाना होगा अपने स्टॉक पे जितनी भी स्टाफिंग कर रखी होगी हमने या हम जैसे दुकानदारों ने उसका भी पेमेंट हमें ही करना होगा उसको सिर्फ क्या करना होगा उसको तो सिर्फ प्रोडक्ट उठा के हमारे यहाँ से कस्टमर तक पहुंचाना होगा इससे हुआ क्या स्विगी ने क्या किया अपना जो भी स्टॉक का पोर्टफोलियो था वो बहुत बड़ा बना दिया बहुत डाइवर्सिफाई कर दिया वो एमेजोन को भी बीट कर देगा ब्लिंकेट को भी बीट कर देगा आप समझ पा रहे हैं मेरी बात तो जितनी कॉस्ट उसने बचाई वो कॉस्ट भाई यदि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कम होते हैं तो नेट प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाता है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कम हो गए ना उस केस में यदि वो रेंट नहीं भर रहा अपने लैंड का स्टॉक के लिए पैसा नहीं लगा रहा स्टाफ के लिए पैसा नहीं लगा रहा हाँ उसका मेन काम है प्रोडक्ट को उठा के एक जगह से दूसरे का डिलीवर करना एक चीज और बताता हूँ जब भी हम खाना डिलीवर करते हैं तो खाने के ऊपर लिखा होता है प्रिपेयर्ड टू डिलीवर और उसमें एक टाइम दे रखा होता है तीस मिनट या बीस मिनट क्योंकि खाना बनता है लेकिन एक फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो हमारे पास रखे होते हैं स्टोर पे उसमें इतना टाइम ही नहीं लगता वो फटाफट -फड़ आप अपना थैले में डाल के दे सकते हो किसी को भी तो आप समझो कि किसी बंदे ने ऑर्डर किया जो ब्लिंकेट ने एक बार स्टार्ट किया था चीज के ऑर्डर आएगा और हम इतनी जल्दी डिलीवर कर देंगे वो चीज प्रैक्टिकल हो सकती है इस केस के अंदर भी मतलब वो कितनी जल्दी पहुंचा पा रहे हैं वो सारा देखो आईटी देखेगा वो अपने एस बनाएगा कि भाई इतने टाइम में हम यहाँ तक पहुंच जाएं इतने टाइम में डिलीवर करते हैं वो सारा ऐप बेस्ड है खर्चा करना पड़ेगा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे मतलब सिर्फ ऐप पे आईटी पे आईटी पे खर्चा करना पड़ेगा उसके अलावा इन्हें कोई खर्चा नहीं करना बाकी इनकी अपनी खुद की बाइक वाले बंदे हैं ही ठीक है और बाइक पे मतलब और बाइक वाले बंदे ये हायर कर सकते हैं सीधी सी बात है तो मतलब मैं ये सजेस्ट करूंगा अब जैसे मैं बताता हूँ आपको पोर्टर है और वी फास्ट है मैंने बहुत ढूंढा इनकी एक तो ए है ही नहीं मतलब मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट पे कोई ऑर्डर आए और सीधा पोर्टर पे या वी फास्ट पे पहुंच जाए और बंदा अलॉट हो जाए और मेरे से पिकअप कर ले मैंने बहुत ढूंढा मुझे ऐसा कोई मैंने मतलब मेल्स भी की वी फास्ट वालों को बोर्जों को और इनका भी पता किया तो मतलब यार ये इंडिया के अंदर ही है मतलब मैं देखता हूँ भारत तो यार सब इतना ज़्यादा स्मूथ है यहाँ पे ऐसा है नहीं तो जो बंदा इस तरीके की चीज़ निकाल देगा मैं सही बता रहा हूँ बढ़िया पैसे कमा लेगा और वो मतलब बढ़िया होगा आप देख रहा आप सोच रहा है इस बारे में आपको समझ में आए तो आप नीचे कमेंट करके मेरे को बताओ मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ और जितने भी डीलर्स हैं वो सब जुड़ जाएंगे ठीक है थैंक यू यार मैंने भी वो ऑडियो रिकॉर्डिंग ना वापस सुनी तो उसमें एक बात बताना भूल गया मैं फिर से कोई वीडियो ऑडियो बनाऊँ तो मैं वो चाहता नहीं तो उसमें ऐड ही कर देता हूँ मैं देखिए कोई एक प्रोडक्ट सौ रुपये का आ रहा है ठीक है मेरे को सौ रुपये का आ रहा है और मैं उसको एक सौ बीस रुपये का बेचना चाहता हूँ लेट्स से मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है अब हुआ क्या मैंने अपनी वेबसाइट पे एक सौ बीस रुपये डाल दिया ओबियसली यार मैं एक सौ बीस रुपये यदि ले रहा हूँ एक सौ बीस रुपये का बेच रहा हूँ तो मैं शिपिंग नहीं कर पाऊंगा ठीक है शिपिंग के मैं ऐसे लग चार्जेस लगा दिए लैट लग से दस रुपये तो वो शिपिंग के चार्ज बढ़ गए लेकिन मैंने देखा यार शिपिंग करने के लिए मुझे पैक भी करना पड़ेगा रैप भी करना पड़ेगा ठीक है लेबल भी लगाना पड़ेगा तो मैंने पाँच रुपये और बढ़ा दिए लेकिन अब एक दूसरी साइड आ जाते हैं मैंने कहा यार यार ठीक है यार सौ रुपये की आइटम आ रही है अमेजोन पर बेचते हैं ओबियसली अमेज़ोन पर मैंने भेजा यदि मैं एबीए पे बेचता हूँ तो भी मेरा पैसा लगेगा भाई अब एक तो कमीशन लगेगी ऊपर से मुझे भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी और वही लेबलिंग का चक्कर ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी ठीक है अब आता है तीसरा सिनेरियो तीसरा सिनेरियो ये था कि भाई साहब मैंने तो प्रोडक्ट अपने पास रखा हुआ है आप दुकान से आके ले लो अब ये तीन सिनेरियो हो गए मेरा सामान बेचने के लिए मेरे पास अब आप इमेजिन करो एक चौथा सिनेरियो जो स्विगी या जोमेटो करते हैं उसमें क्या किया उन्होंने मैंने तो भाई सौ रुपये का आइटम एक सौ बीस का ही बेचना है मान लो लेकिन उसने क्या किया मेरे यहां से पीस उठा के और कस्टमर को दे दिया ठीक है कम से कम टाइम में तो मेरी सेल तो बढ़ गई मेरा मार्जिन उतना ही रहा आप समझ सकते हैं के यदि है यार ठीक है स्विगी पांच परसेंट ले रहा है एक, एक बार को कह दो तो यार हम पांच परसेंट उसको दे के भी काम चला लेंगे क्यों क्योंकि हमें पता है हम मैं एज ए इंडिविजुअल वो फील ऐप की फील वो वेबसाइट की फील मैं कितना ही खर्चा कर लूँ मैं वो दे ही नहीं पाऊंगा जो ये बिग प्लेयर्स दे सकते हैं जब आप एमेज़ोन की ऐप चलाओगे और जब आप किसी एक आ, अकेले बंदे की स्टोर की ऐप आप चलाओगे आपको फ़र्क पता चल जाएगा क्योंकि हम एज एन इंडिविजुअल इतना पैसा लगा ही नहीं सकते और हम मान लो चलो भाई हमने एक लड़का रख लिया अपने पास वो बंदा डिलीवर कर रहा है यार सर्टेनिटी नहीं होती ना अनसर्टेन होता है ऑर्डर आएगा नहीं आएगा कितने पीस का आएगा कहाँ से आएगा कब आएगा वो सारी चीज़ों के लिए यदि कोई मार्केट प्लेस बनता है तो वो बहुत सही चलेगा आप समझ पा रहे हो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ हम एज एन इंडिविजुअल कभी भी इतना बढ़िया वेबसाइट और इतनी बढ़िया ऐप नहीं बना सकते जो एक मार्केट प्लेस बना सकता है जो आपका स्विगी हो गया जोमेटो हो गया एमज़ोन हो गया ये सब और ये सब आपको कुछ नोटिफिकेशन भेजते हैं ये खुद ही अपने आप में इतनी बड़ी मार्केटिंग टीम बिना बिठा के रखते हैं तो यदि स्विगी ने ऐसा कुछ किया मैं सही बता रहा हूं या किसी भी दूसरे बंदे ने किया देखो टाइम तो लगेगा ऑब्वियसली धीरे धीरे ऑनबोर्ड करने के लिए सैलर्स को बाकी जिनकी वेबसाइट है वो तो बहुत जल्दी ऑनबोर्ड हो जाएंगे है ना क्योंकि उनके पास सब कुछ चीजें तैयार है उनकी इन्वेंट्री तैयार है उनके प्राइजेस तैयार है उनके स्टॉक तैयार है सब कुछ तैयार है तो वो तो फटाफट तैयार है मतलब मैं तैयार हूँ मैं तो आज ही जाके चढ़ा सकता हूँ सारा स्टॉक उसके ऊपर ठीक है तो आप इस चीज़ को सोचिए इस बारे में कि आप इस टाइप से कोई ऐप बनाइए ए एपीआई बनाइए तो आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे ठीक है थैंक यू